तो यार पिछली बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे गाने जिसे सुनने के बाद तुम्हारा तन मन और लन सारे तड़प उठेंगे। तो यार जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर वीडियो देख ले एक बार, क्योंकि यार वीडियो देखने का तभी मजा आएगा। अब एक बार को इंसान का ब्लू फिल्म देख के ना खड़ा हो, लेकिन सॉन्ग को सुनने के बाद आपका केला कब कुतुबी मीनार बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उड़िया उड़ी आकाश में दिल में बड़ा यूं गरूर है। वाह, गाना शुरू होते ही शेरो शायरी चल रही है, वो भी बिना राइमिंग के। धूक और लगा ले इस पर। नहीं बहन चुप, बॉल को बॉल्स के पास कौन रगड़ता है। अब एक काम कर, इस बॉल को भी अपने उन दोनों बॉल्स के साथ ही रख ले और फिर कैदी फ्रियो का लिया मैं, मेरे तीन तीन बॉल, मेरे तीन तीन बॉल। कह रही है ये लड़की, अब मुझे ही कुछ और सुनाई दे रहा है या तुम्हें भी? फाड़ दी रे। क्या तुम्हें भी? मुझे तो लगा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं यूं गंदी सोच वाला। अब बल्ले की चोट से बॉल फटी है तो यार इसमें गांड का क्या संबंध है? अब बल्ले की चोट से हम गांड क्यों फाड़ेंगे यार? क्योंकि गांड फाड़ने के लिए तो हमारे पास 6 इंच का औजार रखा है। टाइट मौसम तो दिक्कत हो रही है, तो यार डॉक्टर के पास जाओ ना। यहाँ फालतू में नाचने का क्या मतलब बन रहा तुम्हारा? और नहीं तो एक काम कर, अपनी मौसमियों को रात में पानी में भिगा कर रख दे और सुबह की तो तुझे वो रूई की तरह मुलायम पाएगी। क्या काम चलाएगा वो तेरी मौसमियों को ढीला कर नहीं पाया? उस बेटी चौध को तो नाचने से फुर्सत नहीं मिल रही। और ये लहर क्या रही है, नागिन है तू? और इस अड़ियल पक्षी के साथ स्विमिंग पूल में क्या कर रही है? ने मतलब लाज शर्म कुछ है के नहीं तुझमें? तेरी टपके छोरी जांगन में जको निक स्वादी मोई दे दे। पहले मुसम्मिया टाइट थी और अब जांगों के बीच में से रस निकल रहा है, पूरी ही गुप्त रोग की शिकार हो रही है। और ये लड़का उस रस को पीने के लिए कितने ड्रामे कर रहा है। अरे भोसड़ी के वो रस नहीं है, उसका झाग वाला मुंह है, अब बता पिएगा? और वेंचू मां से रस निकल कैसे रहा है, कोई मशीन फिट है क्या अंदर? जैसे निप्पलों की तार नीचे तक जुड़ी हुई है। वेंचू ऐसे रस निकलने लगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी जूस की। नहीं नहीं, सबकी बीवियां तो उन्हें नीचे से ही रस निकाल के दे देंगी। कुछ भी गाने बनाते हैं। गोरी गोरी गाल तेरी छाती पे मौसमी। यो, इसने तो हद ही कर दी, गोरे गोरे गालों को छुआ तो सही लेकिन उसके निप्पल पे भी गंदे गंदे सारे कर रहा है। और शुक्रिया भोसड़ी के जो तूने बता दिया कि उसके छाती पे मौसमियां उग रही हैं। नहीं वो तो समझ रही थी उसकी छाती पे निप्पल है। अब यार कोई हमारे या लड़की के प्राइवेट पार्ट को एक नाम से क्यों नहीं बुलाता यार? कोई मौसमी कह रहा है, कोई बॉल कह रहा है, कोई निप्पल कह रहा है, पता नहीं कितने नाम रख रखे हैं यार इसके। एक नाम बोलो ना, हमारे प्राइवेट पार्ट की कोई इज्जत नहीं है क्या? कोई फीलिंग नहीं है क्या उसमें? उसे भी बुरा लगता है यार। और जिस दिन उसे ज्यादा बुरा लग गया उस दिन खड़ा होना छोड़ देगा, फिर दूरते रहना अपने पुल के पास गुप्त रोग के पर्चे। और भोसड़ी का नाचते नाचते उसकी मुसम्मियों को ही देख रहा है। यार कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियाँ जो ऐसा करने के बाद भी गुस्सा नहीं करती बल्कि नाचती और है। मुझे भी एक चाहिए। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? अब जो गाना आगे बजेगा उसका नाम है मेरी भारी रात पजम्मी। ओ सुन मम्मी, भारी रात पजम्मी मम्मी में भारी रात पजम्मी। पजम्मी फाड़ दी तो नहीं ले लेना यार, पति पत्नी के बीच में तो ये चलता ही रहता है। अब इसमें मम्मी को क्या बताने की बात है? और ऊपर से बहन जो समझ में नहीं आ रहा ये बोल क्या रहा है, भोसड़ी का गा भी रहा या नहीं गा रहा? गाने के आधे शब्द तो अंदर ही खा जा रहा है अपने। कैसे कैसे मारी? और मारी तो क्या हो गया, पति है तेरा, हक बनता है उसको तेरी गांड लेना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर गाना बनाकर उस पर नाचोगे और गली में गाते फिरोगे कि कुछ बातें प्राइवेट भी होती हैं। आए तो भुजंगी सतागम हो ऐसा लगे। अब ये भोसड़ी का सकल से ही डोंगी बाबा लग रहा है। बाबा मर गी, मेरी नमज दे गी बाबा। अब ये तुझे बचाने की तो छोड़, उल्टा तेरी पटक के मार और लेगा। अब मत घबरा मत बेटा, उसके जहर चढ़ रहा है और ये भोसड़ी का अपने फालतू के ड्रामे करे जा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये लंड की बात कर रहा है। तो भुजंगी सतागम हो ऐसा लगे। मुझे याद आया कि यार लंड कब से काटने लगे। अब हॉस्पिटल में जाते तो ठीक भी हो जाती, लेकिन इसने इस बाबा के पास आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसके बचने का तो पता नहीं, लेकिन इसके मरने के बाद इसकी आत्मा इससे जरूर बोलेगी कि मैं माधवचोद उसके पास आई। तो बस यार वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और लाइक हम रखते हैं इस बार वीडियो का 200 लाइक्स। तो यार प्लीज कंप्लीट कर देना। और आप चाहते हो यदि मैं किसी और भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में उसका नाम लिखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय राम जी। कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है।